Hello students, welcome back. Today we are going to start part 3 of unit 1, Digital Documentation Advanced. In this part we are going to learn about templates and how to create them. First of all, let us understand what is a template. A template is a model that you use to create other documents. Templates can contain anything that regular documents can contain, such as text, graphic and set of styles. बेसिकली टैंपलेट क्या होता है, आपका एक सैंपल होता है जिसकी हेल्प से आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं स्कूल में, तो सभी बच्चों के नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और मार्क्स डिफरेंट होते हैं। बाकी जो हेडिंग्स रहती हैं, लाइक आपके मार्क्स हैं और जो आपकी हेडिंग्स हैं, नेम के लिए हम NAME नेम लिखते हैं, हेडिंग्स, स्कूल का नेम, स्कूल का आपका लोगो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर पोजिशन पर रहती हैं सभी रिपोर्ट कार्ड्स में सेम। तो वो क्या हो गया, आपका एक सैंपल हो गया। जो कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो चीज़ें आपकी सेम है, लाइक द नेम ऑफ द स्कूल, लोगो ऑफ द स्कूल, डेट एंड टाइम एंड द अदर थिंग्स, तो वो आपका एक तरह से एक सैंपल हो गया और उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, टैम्पलेट बोल रहे हैं। उसके अंदर आपका टेक्स्ट हो सकता है, बेसिकली जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं वो टेक्स्ट हो सकता है। अब जैसे हमने लोगो डाला उसके अंदर, तो वो एक ग्राफिक हो गया, आपका इमेज हो गया। और जो हम टेक्स्ट उसमें लिख रहे हैं, जैसे स्कूल का नेम लिख रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं साइज में देन द रेस्ट ऑफ द कंटेंट, तो वो हमारा हो गया सेट ऑफ स्टाइल्स। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये एक तरह का टैम्पलेट है। कभी आप कहीं पे बुक फेयर में गए हो या आपके पास किसी शॉपिंग मॉल का वाउचर हो या कोई और चीज़ें हो, कोई पैम्पलेट हो, तो आपने इसको देखा होगा कि एक कंपनी के जितने भी पैम्पलेट्स होते हैं उनके ऊपर का जो डिज़ाइन होता है वो सेम रहता है और कंटेंट भी जनरली सेम रहता है। अगर वो कोई नया पैम्पलेट भी निकालते हैं तो उस केस में जो उनका डिज़ाइन है, लोगो है, वो सेम रहता है और कंटेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्रिएट एंड यूज टैम्पलेट्स। द टॉपिक्स आर क्रिएट अ टैम्पलेट, वन बाय वन वी कवर ऑल दीज टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हमारा क्रिएट अ टैम्पलेट। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टैम्पलेट एंड हाउ टू क्रिएट अ टैम्पलेट। नाउ टू क्रिएट अ टैम्पलेट हमारे पास दो वेज होते हैं, एक होता है आपका फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट और एक होता है आपका यूजिंग अ विजार्ड। फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं, फाइल मेन्यू पे जाते हैं, देन यू गो टू द टैम्पलेट्स ऑप्शन एंड देन यू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। एंड यूजिंग अ विजार्ड ऑप्शन में आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ विजार्ड्स एंड देन यू चूज अ टाइप ऑफ टैम्पलेट। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द टैम्पलेट्स। द फर्स्ट वन इज इट सिंप्लीफाइज द डॉक्यूमेंट क्रिएशन। जब हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं ऑलरेडी मेड, तो हमें क्या करना होता है, सारी फॉर्मेटिंग जो होती है टेक्स्ट की वो उसमें पहले से होती है, आपको सिर्फ उसके अंदर कंटेंट डालना है, तो इट बिकम्स ईजी टू यूज। एंड मान लीजिए किसी कंपनी में कोई नया पर्सन हैज, न्यू पर्सन हैज एंटर्ड और कोई इनएक्सपीरियंस स्टाफ हैज कम, तो उसके लिए उस पर वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि उसके पास सारी फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, उसे सिर्फ कंटेंट को ऐड करना है, सो इट सिंप्लीफाइज द डॉक्यूमेंट क्रिएशन। सेकेंड थिंग इज इट सेव्स द टाइम एंड मनी, क्योंकि आप उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो पहले से बनी हुई फॉर्मेटिंग है उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो टाइम है बहुत ही सेव हो जाता है और आपको ज़्यादा कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ती। थर्ड इज कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी में क्या हुआ कि मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना पैम्पलेट बनवाया, तो उस केस में उनका एक स्टैंडर्ड लेआउट है, उसमें कुछ पेज नंबर है, डेट एंड टाइम है, फाइल का नेम है, लोगो है, ये सारी चीज़ें अपने करेक्ट पोजिशन पर आ रही है, तो एक तो वो नीट एंड क्लियर, नीट एंड क्लीन लगता है दिखने में और एक कंसिस्टेंट लगता है, एक स्टैंडर्ड लेआउट रहता है उसका। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी कंपनी ने अपना एक टैम्पलेट से, अगर उसने एक टैम्पलेट निकलवाया है, तो एक प्रोफेशनल वे में वो अपने कंटेंट को कस्टमर को दिखा सकता है एंड इट अलाउज द कस्टमर टू फाइंड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ईजिली। और कस्टमर को जो भी नेसेसरी डिटेल्स चाहिए होती हैं, लाइक उस कंपनी की ईमेल आईडी चाहिए या उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो उसे पता है कि उसे इस प्लेस पे उसकी ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सो इट लीड्स टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये हमारे कुछ टैम्पलेट्स हैं, आपने जो देखे होंगे बर्थडे टैम्पलेट्स रहते हैं या कैलेंडर के टैम्पलेट्स रहते हैं, जैसे जो स्कूल्स होते हैं वो भी अपने कैलेंडर्स बनवा लेते हैं, तो ये सारे आपके टैम्पलेट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे, असाइनमेंट हम इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव इज क्रिएटिंग अ टैम्पलेट। टैम्पलेट को क्रिएट कैसे करना है, तो ये आपका है ओपन ऑफिस राइटर, यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, लाइक आई से हेलो एंड आई हैव रिटन योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो इसका जो फॉन्ट है दैट इज टाइम्स न्यू रोमन और इसका जो साइज है दैट इज 12। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट में कुछ चेंजेस करूँ, लाइक आई मेक इट टू दिस फॉन्ट एंड हम इसके साइज में कुछ चेंजेस करें,
लाइक 72 वी हैव मेड द साइज, हम इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें और अंडरलाइन कर दें। तो ये हमने इसके ऊपर चेंजेस कर दिए। अब अगर आप इसे सेव करते हैं तो इसको सेव कैसे करना है, फाइल में जाना है आपको, गो टू टैंपलेट्स। अगर आप नॉर्मली सेव करेंगे तो वो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन हमें अगर टैंपलेट सेव करना है तो फाइल में जाने के बाद यू हैव टू गो टू द टैंपलेट्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। एज सून एज यू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड यहाँ पे आप अपने टैंपलेट का नेम देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया टैंपलेट 1 एंड देन क्लिक ऑन, और ये आपकी कैटेगरीज हैं टैंपलेट की। आप इसमें से कोई कैटेगरी लेना चाहते हैं तो कैटेगरी भी चूज कर सकते हो। माय टैंपलेट्स में हमने इसको रखा, यहाँ पे ऑलरेडी एक टैंपलेट बना हुआ है तो उसका नेम आपको ये दिखा रहा है। हमने न्यू टैंपलेट का क्या नेम दिया, टैंपलेट 1 एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका जो टैंपलेट है वो क्रिएट हो गया। डिफरेंस आपको देखना है, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वो नेम आपका यहाँ आता है, लेकिन जब आपने टैंपलेट को सेव किया तो वो नेम यहाँ नहीं आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग द फाइल एंड सेविंग द in the way also and in the name also on the title bar. ठीक है, so this is the thing how to create a template. ठीक है, ये आपका first method है। second method भी होता है कि हमें template create करना है, तो उसके लिए you have to click on file, wizard method से हम कर रहे हैं, then click on wizard. wizards में आपके पास बहुत सारे option हैं, आप इसमें से कोई भी एक choose कर सकते हो। suppose हमने लिया presentation, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशन विजर्ड आ गया। इट इज सेइंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मेड प्रेजेंटेशन है तो आप एग्जिस्टिंग चूज करेंगे। आपके पास प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है तो आप टेम्पलेट लेंगे सैंपल, और अगर आपके पास नहीं है तो आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन लेंगे एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। देन इट इज आस्किंग फॉर द डिफरेंट इफेक्ट्स एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है, क्रिएट कर। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये जो आपका पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस में, इसी तरह से ओपन ऑफिस राइटर में आपका होता है इम्प्रेस। तो ये आपको वहाँ की विंडो पे लेकर जाएगा और वहाँ पे जो आप चेंजेस करना चाहते हो दैट यू कैन डू, और फिर आप उसे सेव कर दोगे इस तरह से। ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाहते हो टेक्स्ट वो आप ऐड करके और उसे सेव कर सकते हो। तो ये हमने बनाया यूजिंग द विजार्ड। ये हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑप्शन लिया है, आप इसमें कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपका लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, प्रेजेंटेशन है, तो आप लेटर को यूज कर सकते हो, एनी ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमने सीखा क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। दो मेथड है आपके, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम द विजार्ड। क्लियर दिस थिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, यानी कि जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है पहले से आप उसे यूज करना चाह रहे हो। यानी कि जो हमने एक सैम्पल क्रिएट किया है जिसमें हमने फॉन्ट में, साइज में या स्टाइल में चेंजेस किए, दैट नाउ वी वांट टू यूज। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करी, अनटाइटल 2 आप नाम देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब हमने अभी एक टेम्पलेट क्रिएट किया था और उसका नाम हमने दिया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम गए फाइल में और यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करना है न्यू, और न्यू में आपको आना है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। आ गए हम टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो टेम्पलेट्स आपका एक फोल्डर ये ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके दो टेम्पलेट बने हुए, ए नाम का हमने पहले बनाया था और अभी जो हमने बनाया वो है टेम्पलेट 1। सॉरी, आपकी फाइल का टेम्पलेट का नहीं था, टेम्पलेट 1 स्टूडेंट्स नहीं था। तो यहाँ पे आपने टेम्पलेट 1 नाम का टेम्पलेट बनाया। ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि इसका टाइटल क्या है, किसने बनाया है, डेट क्या है, कब मॉडिफाई हुआ, और यहाँ पे आपको आपके टेम्पलेट का क्या दिखाएगा, प्रीव्यू। ये प्रीव्यू है, ये भी हमने फाइल बनाई थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अब आप देखो जैसे ही आपने ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका वही सेम फाइल आ गई, हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका फॉन्ट जो हमने चेंज किया था दैट इज कमिंग, साइज हमने 72 किया था दैट इज ऑल्सो कमिंग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था दैट इज कमिंग। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितने भी आपने चेंजेस किए फॉर्मेटिंग की वो सारी सेम रहेगी, यहाँ पे आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि इफ आई राइट गुड आफ्टरनून, तो हमने कंटेंट को तो चेंज कर दिया, लेकिन हमारे जो फॉन्ट साइज और उसके स्टाइल्स हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वो एज इट इज रहे।
तो ये हुआ कि जो हमने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है उसको हम यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग द प्री डिफाइंड टेम्पलेट. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज कम्प्लीटेड. नाउ आर थर्ड पॉइंट इज सेट अप अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट. एक टेम्पलेट आपने बना दिया, उसको आपको एज अ डिफॉल्ट कस्टम टेम्पलेट सेट करना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी फाइल ओपन करो तो सेम आपकी फॉर्मेटिंग फीचर्स ओपन हो जाए. तो अभी हमारे पास जो फाइल है उसमें इट इज़ रिटन हेलो स्टूडेंट्स. फाइल का नेम हमने S1 से सेव किया था एंड इसका कुछ फॉन्ट नेम है, साइज है और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इफेक्ट्स हैं. अब हम ये चाहते हैं कि जब भी ये जो हमारा टेम्पलेट है नेक्स्ट फाइल न्यू फाइल ओपन करने पे भी यही टेम्पलेट हमारा ओपन हो. जनरली जब हम कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होती है, लेकिन इस टाइम इसको एज अ कस्टम डिफॉल्ट सेट करने के बाद आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगी. अब देखते हैं इसको कैसे करें. ऑलरेडी इस पर अलाउड, इस पर अप्लाइड हैं सारी फॉर्मेटिंग फीचर्स. चाहें तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो. हम गए फाइल पे, फाइल के बाद आपने लेना है न्यू. न्यू के बाद आप जाएंगे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे. इसको हमने कौन से टेम्पलेट में सेव किया था, टेम्पलेट 1 में सेव किया था. ये टेम्पलेट है आपका, दो टेम्पलेट बने हुए हैं आपके. टेम्पलेट 1 हमने लिया और आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज ऑप्शन एंड ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द माई टेम्पलेट्स फोल्डर, चूज योर टेम्पलेट एंड देन गो टू द कमांड्स बटन. And from here, choose the option set as default template. ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है. क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे आप इस फाइल का नेम देखो क्या है, s1.odt. अब हम एक नई फाइल ओपन करेंगे, नॉर्मल फाइल, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे जब हमने नॉर्मल फाइल को ओपन किया, अब आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स ही लिखा हुआ आ रहा है, ब्लैंक फाइल नहीं आई ना आपकी. और यहाँ पे आप फाइल का नेम देख सकते हो, अनटाइटल्ड 6 है. पहले वाली आपकी फाइल का नाम S1 था, हेलो स्टूडेंट्स है, लेकिन अब जो हमारी फाइल है उसका नाम हमारा है अनटाइटल्ड 6. तो आप देख रहे हो फाइल जो है, न्यू फाइल तो ओपन हुई लेकिन कंटेंट सेम है. किस लिए सेम है, कंटेंट में तो देखो हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक ये टेम्पलेट जो था बाय डिफॉल्ट हमने बना दिया कि इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट और इसके स्टाइल्स हैं वो सेम रहेंगे, कंटेंट में आप चेंजेस कर सकते हो. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, सेट एज अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट. क्लियर दिस थिंग? इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है अपडेट अ डॉक्यूमेंट. मींस जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाई, टेम्पलेट बनाया, उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हो रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे कंटेंट है, गो टू द फाइल ऑप्शन, न्यू ऑप्शन, और न्यू में आप जाएंगे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे. यहाँ पे जाने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज ऑप्शन. इससे पहले आप अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लो. टेम्पलेट 1 है हमारा, इसमें चेंजेस करना चाहते हैं. ये ए नाम की फाइल थी, अब देखो ए के अंदर आपका ये कंटेंट था. ठीक है, टेम्पलेट 1 में गए, इसके अंदर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं. तो आप यहाँ से क्लिक करोगे ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद अगेन ये आपको दिखा रहा है, क्लिक ऑन माई टेम्पलेट्स फोल्डर, टेम्पलेट 1 आपका टेम्पलेट हो गया. अगेन आपको कमांड्स में जाना है और कमांड्स में से आपको क्लिक करना है एडिट ऑप्शन पे. कौन से ऑप्शन पे, एडिट ऑप्शन पे. अब एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो आपकी डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पे आपका टेम्पलेट 1 है, तो ये यहाँ पे देखो टेम्पलेट 1.ott आ रहा है. टेम्पलेट है इसलिए यहाँ पे इसका नेम चेंज आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, चाहे तो हम इसके किसी भी फॉन्ट को, साइज को, या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को, इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और ऐड भी कर सकते हैं. जैसे हम चाहें तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, हाउ आर यू, तो हम इसके भी कंटेंट, इसके जो फॉन्ट है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं. तो ये हमने क्या किया, चेंजेस कर दिए इसमें. क्लियर दिस थिंग? तो ये आपका क्या हो गया, हेलो अलग फॉन्ट में है, इसका साइज भी अलग है, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लिखा वो अलग फॉन्ट में, और हाउ आर यू लिखा अलग फॉन्ट में. आप चाहो तो इसके साइज में भी चेंजेस कर सकते हो, इस तरह से आप इसके साइज को स्मॉल कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा टेम्पलेट था, टेम्पलेट 1 था,
इसी में हमने चेंजेस किए, तो फाइल में जाके हमने क्या करना है, टेम्पलेट्स में जाना है और यहाँ से हमने टेम्पलेट को सेव कर देना है। तो ये जो हमारा है, अगर आप न्यू टेम्पलेट में इसको सेव करना चाहते हो तो न्यू पे कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी मेड टेम्पलेट है, इसी में इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ से टेम्पलेट को सेलेक्ट करके और ओके कर दो। तो ये आप, ये कह रहा है नेम ऑलरेडी इन यूज, डू यू वॉन्ट टू ओवर राइट द डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जैसे हम फाइल को करते हैं एमएस ऑफिस में करते हैं ना, जैसे सेव करने की कोशिश करते हैं सेम नेम से, तो वो भी आपसे यही चीज़ पूछते हैं। तो वो कह रहा है कि ये टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसके अंदर कुछ कंटेंट ऑलरेडी था, तो अब जो आपने न्यू कंटेंट लिखा तो क्या आप पुराने वाले कंटेंट को उससे ओवरराइट करना चाहते हो, मींस जो आपने नया कंटेंट डाला अब वो आ जाएगा, पीछे वाला हट जाएगा, तो आप करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं करना चाहते तो नो करके नया टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, इस केस में हम करना चाहते हैं तो हमने यस कर दिया। क्लियर दिस थिंग? तो ये आपका हो गया अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, अपडेट किया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एरर राइटिंग डॉक्यूमेंट एज टेम्पलेट एक्सेस वॉज डिनाइड, इसने यहाँ पे इसको डिनाई कर दिया। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसको किसी नए टेम्पलेट से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम गए, जनरली हम यहाँ से गए टेम्पलेट्स में और यहाँ से हमने किया सेव, और सेव करने के बाद हम इसको नाम कोई और दे देते हैं, सपोज टेम्पलेट टू। ठीक है, और यहाँ से आपने कर दिया ओके, तो ये आपका एज अ टेम्पलेट टू सेव हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? इसके बाद हमारा टॉपिक है चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पीछे वाले में ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन हम इसको दोबारा देख लेते हैं। इस ऑप्शन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल है S1 नेम से, और इसके अंदर एक हमने टेम्पलेट बनाया था हेलो स्टूडेंट्स में, जिसमें हमने फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल में चेंजेस किए थे। ठीक है, फिर हमने एक और फाइल बनाई जिसको हमने सेव कर दिया स्टूडेंट्स नेम से, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमने लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग टेम्पलेट्स। तो इस केस में देखो जो ये कंटेंट है आपका, इसका जो फ़ॉन्ट है वो रेज इटैलिक है, साइज 32 है और बोल्ड इफेक्ट हमने लगाया हुआ है। तो अगर हम इसमें टेम्पलेट में क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं या चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली इसमें हमें कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। तो या तो हम इस कंटेंट को, ये फाइल है स्टूडेंट्स और वो हमारी फाइल कौन सी है, S1 है, तो या तो हम स्टूडेंट्स को S1 में लेके जा सकते हैं या हम S1 को स्टूडेंट्स में लेकर आ सकते हैं। सपोज़ हम स्टूडेंट्स को S1 में लेके जाते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इतने कंटेंट को हमने किया सेलेक्ट, राइट क्लिक करके कॉपी करो, या कॉपी नहीं हो पा रहा है इस हो रहा है, राइट क्लिक करके आपको इसको कॉपी करना है, या आप शॉर्टकट की का यूज़ कर लो Ctrl+C, एंड देन आप जाओगे अपने दूसरी वाली डॉक्यूमेंट में और कर्सर जहाँ पे उसको थोड़ा सा नीचे लाके देन राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ये इसका जो हेलो स्टूडेंट्स का फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल है वो डिफरेंट है, और ये जो आपका आया हेलो स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग टेम्पलेट्स, इसका जो आपका स्टाइल है और इसके जो आपके इफेक्ट्स हैं, फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, वो डिफरेंट है। तो अब ये हमारा एक नया टेम्पलेट बन गया, तो इस केस में हम इस टेम्पलेट को एक नए नेम से सेव कर देंगे। हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में जाने के बाद आपको जाना है सेव में। सेव में जाने के बाद ये न्यू टेम्पलेट आ गया आपका। अब न्यू टेम्पलेट का हमने नाम दे दिया सपोज टेम्पलेट 3, ऐसे ही हमने टेम्पलेट 2 क्रिएट किया था, तो यहाँ हमने नाम दे दिया टेम्पलेट 3। तो ये हमारा एक नया टेम्पलेट क्रिएट हो गया। क्लियर दिस थिंग? जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे टेम्पलेट 3 को, मतलब S1 फाइल को, अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट सेट करते हो तो इसके अंदर यही कंटेंट आएगा, तो आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो और अपना जो आपकी फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं वो आपकी सेम रहेंगी। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट कम्प्लीट हो गया, दैट इज़ चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। ठीक है, और लास्ट है आपका यूज़ द टेम्पलेट। ये जो हमने सेकेंड वाला किया था यूज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, ये बिल्कुल वही है कि जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया आप उसी को यूज़ कर रहे हो, सेम टू सेम। ठीक है, सो ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर। आप ही हमने टेम्पलेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं, अब आपको इनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, नाउ योर असाइनमेंट पार्ट
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। इसके डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, दैट यू हैव टू राइट डाउन। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, हमने चार पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आप इस आंसर को किस तरह से लिखेंगे, पहले आप पॉइंट की हेडिंग देंगे और फिर उसके बाद आपको वन और टू लाइन्स में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन आई हैव डन इन द वीडियो, सो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू सेज लिस्ट द टू मेथड्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट। तो ये हमने पढ़े थे फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग द विजर्ड, दीज आर द टू मेथड्स। थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन भी करके लिख सकते हो। द टिप इज प्रैक्टिस ऑल द कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली इन योर कंप्यूटर, क्योंकि ये कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत नए हैं और जब तक आप इन्हें हाथ से करके नहीं देखोगे तो आपको सिर्फ देखने से समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, जब तक आप उसे अपने हाथ से करके नहीं देखोगे। देखने पे एक बार में आपको ये कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर आप 4-5 टाइम्स इसको अपने हाथ से करके देखोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पार्ट 3 इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।